व्यापारियों ने मेहनत की है और मेहनत का परिणाम ये है कि भरोसा बढ़ा है, जिसके कारण न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेश भी यहाँ पर कारोबार करने के लिए आते थे। ये कारोबारी हैं, इनका जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई करने का काम और जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। दूसरी, ये जो डर है उनको, जो व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है कि आग के बहाने जो विभाग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो परेशान न करें इनको, क्योंकि प्रशासनिक तौर से भी हो सकता है इनके ऊपर परेशानी आए। इसलिए सरकार को, संबंधित विभाग को, प्रशासनिक लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। और जिस स्थान से 3000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होता था, उस कारोबार को शुरू करने के लिए इन्हें तुरंत जगह कोई उपलब्ध सरकार को करानी चाहिए। सरकार जगह उपलब्ध कराए जिससे इन व्यापारियों का कारोबार दोबारा शुरू हो सके, और व्यापारियों से बैठक करके, व्यापारियों से राय लेकर के किस स्थान से दोबारा कारोबार शुरू हो सकता है, उस जगह से पहला सबसे बड़ा काम है उनका कारोबार शुरू हो। क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना आसान नहीं है, क्योंकि जो सामान रहा होगा, जिस समय आग लगी है रात में, जिस समय आग शुरू हुई उस समय से लेकर के सुबह जब तक जानकारी मिली, वो इतनी आग बढ़ गई कि आग बुझा नहीं सके। ये प्रशासन की लापरवाही है कि जब आग लगी और उसी समय पर्याप्त मशीनें आ जाती, फायर ब्रिगेड से आ जाती, जो विभाग इसको देखता है आग बुझाने के लिए, वो अगर समय पर पहुंच जाता तो आग बुझ जाती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर है, बिल्डिंगों में न जाने कितनी दरार होंगी, बिल्डिंग का न जाने कितना नुकसान होगा, प्रशासन इस पर कार्रवाई भी करेगा, डराएगा धमकाएगा। मेरा ये मानना है और सरकार से अपील है कि किसी भी कारोबारी को डराया और धमकाया नहीं जाए, प्रशासनिक रूप से उन्हें उन पर दबाव न बनाया जाए, कोशिश होनी चाहिए कि उनकी मदद करें। और जिस स्थान पर 3000 करोड़ का कारोबार होता हो तो न जाने कितनों को नौकरी रोजगार मिलती थी, परिवार जुड़े रहते थे। इसलिए प्राथमिकता पे इस काम को शुरू करने के लिए स्थान सरकार को देना चाहिए।